राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी इस दिन को काला दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मना रही है। इसी के तहत जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन कर राज्य सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। युवा भाजपा की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर युवा भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र तंवर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महेंद्र तंवर ने कहा कि राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण कर चुकी है, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्य नहीं किया गया। केवल होटलों में रहकर अपना समय व्यतीत किया गया, ना तो युवाओं को रोजगार दिया गया और ना ही विकास के कोई अन्य कार्य पूरे हुए। राजस्थान की जनता त्रस्त है, सरकार के ये 2 वर्ष कार्यकाल विफल रहा, जिससे जिलाध्यक्ष महेंद्र तंवर ने मांग की है कि मुख्यमंत्री को विफलता के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश की नकारा निकम्मी कांग्रेस सरकार के आज 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा इस दिन को मनाने जा रहा है, क्योंकि जब से ये सरकार बनी है और जो झूठे वादे किसानों से और युवाओं से किए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, 2 साल हो गए हैं। और जिस प्रकार कोरोना महामारी में जो गलतियां की है सरकार ने और जो जनता को नुकसान हुआ है, उसमें भी सरकार सफल नहीं हुई है, विफल हुई है। और जिस प्रकार जो युवाओं को रोजगार का वादा किया है, नौकरियों का वादा किया, वो भी पूरा नहीं किया है। इसलिए जोधपुर की युवा शक्ति आज सड़कों पर है और मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंक कर उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार 2 साल में कोई काम नहीं कर पाई, केवल होटलों में टाइम गुजारा है। अपनी आपसी लड़ाई का खामियाजा आज जोधपुर शहर और पूरा प्रदेश भुगत रहा है। आपकी मुख्य मांगे क्या है इस प्रदर्शन के जरिए? हमारी कोई मांगे नहीं है, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें, उनसे ये प्रदेश संभल नहीं रहा है आज काला दिवस के रूप में, और इसलिए हम आज ये काला दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के कुशासन के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज काला दिवस मनाया है। और ये काला दिवस जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी की, किसानों के साथ वादा खिलाफी की, आम उपभोक्ताओं के साथ बिजली के बेतहाशा बिलों में वृद्धि करके जो एक वादा खिलाफी की है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और आम जनता को यह बताने के लिए कि ये 2 साल का कुशासन किस तरह से आम जनता को परेशान करता रहा है, इससे जल्द से जल्द मुक्ति मिले, इसी एक संकल्प के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ और राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, कोरोना काल में जिस तरह की अव्यवस्थाएँ आपने आज जोधपुर में भी देखी, सभी सरकारी अस्पताल जिस तरह से निष्क्रिय है, उनके पास दवाइयां तक नहीं थी, आम जनता ताई ताई मचा रही थी ऐसे समय में।